अपने YouTube ऐप पे जो घंटा बना हुआ है इसको अगर आप दबा दोगे तो आगे से फिर कोई अपडेट नहीं मिस करोगे मेरे वीडियो का। चलो वीडियो एंजॉय करो। यहाँ पे क्रिकेट क्रिकेट के फैन है कोई? क्रिकेट के फैन, मिक्स अप नॉइज़ इफ यू लाइक क्रिकेट। यार सो आई लव क्रिकेट, मतलब भारी, मतलब बंदों का ज़्यादातर ये सीन होता है उनकी लाइफ में, कैसे देखो ऐसा होता है, पढ़ाई लिखाई करियर पॉन क्रिकेट। मतलब मैं रिकॉर्डेड मैच भी देख लेता हूँ जिसमें मुझे पता है कि इंडिया जीती है। मतलब धोनी का वो छक्का वर्ल्ड कप वाला मैंने इतनी बार देखा, मैं डिग्री बता दूँ इतने डिग्री पे शॉट मार रहा। और आई मिस महेंद्र सिंह धोनी एज कैप्टन, बिकॉज एवरी टाइम धोनी इज टू विन अ मैच, धोनी इज टू टेक अ विकेट एज अ सोविनियर। याद है आपको? एवरी टाइम वी विन अ मैच धोनी वुड टेक अ विकेट एज अ सोविनियर। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट वे महेंद्र सिंह धोनी हैज मोर विकेट्स देन शोएब अख्तर। और तुमने देखा है कोई भी बैट्समैन, इंडिया का हो बाहर का कोई भी हो, फील्ड पे जैसे ही बैट्समैन सेंचुरी मारते ना, सेंचुरी मारते ही शाहरुख खान हैपन्स, ऐसे हेलमेट उतारेगा, ऐसे ये करके फिर ऐसे ऑडियंस की तरफ पब्लिक की तरफ देख के हल्का हल्का स्वैग, एंड ही हैड दैट लुक ऑन हिज फेस कि आई डिड दिस, मैंने किया, मैंने किया। और आउट होती ना बैट की तरफ, तू फुद्दू है, मैं काफ़ी टैलेंटेड बट तेरे बस की बात नहीं आ रही है। और आउट होने के बाद ना पवेलियन तक जाना पड़ता है, पवेलियन बहुत दूर है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक। और क्रिकेट में अभी पैसे हैं पर अभी गोल्फ जितने नहीं हैं कि शॉट मारा है और बैट पकड़ा है ऐसे, चल राजू चल उधर। पवेलियन तक पैदल ही जाना पड़ता है, तो ऐसे ऑकवर्ड ना लगे ना, हमें पता ना चले क्या हो रहा है, तो बैट्समैन ना जानबूझ के वही शॉट प्रैक्टिस करते रहता रास्ते पर जो खेलते हुए आउट हुआ। और मैं सोच रहा था ले पहले प्रैक्टिस कर लेता तो आउट नहीं होता। एंड प्रैक्टिसिंग द सेम शॉट इज स्टिल फाइन अगर तुम खेलते हुए आउट हुए हो। शाहिद अफरीदी यूज टू डू दैट इवन आफ्टर गेटिंग रन आउट। पर मुझे क्रिकेट में सबसे जो स्वैग वाली चीज लगती है ना, सबसे स्वैग वो है पिच रिपोर्ट। क्या मस्त कॉन्फिडेंस है, लोग घर से नहा धो के कोट वोट पहन के साइड की मांग निकाल के आई सी देयर सम क्रैक्स, देयर सम ग्रास, देयर सम विंड, देयर सम मॉइस्चर। मेरी नानी बैठी पीछे से बोले कृषि दर्शन इंग्लिश में कब से आने लगा। मुझे बस क्रिकेट की एक चीज है जो कम पसंद है, मतलब एक ही चीज है, डकवर्थ लुइस मेथड। ये मुझे जिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ डकवर्थ लुइस मेथड क्या होता है। उसको हिंदी में बोलते हैं आओ बहन चीटिंग करें। मतलब सेकंड जो बैटिंग कर रही है टीम, उनको चाहिए थे 10 ओवर में 1000 रन, अचानक से बारिश हो गई, अब एक ओवर में 1 रन। पर मैच अगर कभी देखना हो ना, सबसे ज्यादा मजा आता है मैच देखने का किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको पता ही नहीं हो क्रिकेट क्या है, उसको रूल्स वूल्स कुछ पता ही नहीं, ऐसे रैंडम है लोग ऐसे भी बहुत। मेरी एक दोस्त है मेरठ की, उसको नहीं समझ में आता, तो मैच देख रहे थे ना, तो उसको ऐसा लगा कि जो क्रिकेट में छोटे शहर से आते हैं ना उनको ग्लव्स दे देते हैं, उसको विकेट कीपर का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। उसको लगा जो छोटे शहर से उनको ग्लव्स, उसने मेरे को गिना भी दिया, धोनी कहाँ से, मैं रांची बोला देख, मुंगिया कहाँ से, मैं बड़ौदा बोला देख, बोला कोहली और सचिन को दिए कभी ग्लव्स, मैं नहीं। उनको कितनी बॉल लगती है हाथ में, और बोला तूने कभी धोनी को भागते हुए देखा बॉल पकड़ने में, नहीं, बोला क्योंकि छोटे शहर से, सचिन कोहली चाहे कितना बड़ा प्लेयर हो इनको भाग के बॉल लेके आनी पड़ती है, और धोनी को बोलते भैया आप वहीं खड़े रहो हम फेंकेंगे आपके पास। पर अगर आप इंडिया में पैदा हुए ना तो कभी कभी लाइफ में कभी ना कभी तो एटलीस्ट एक बार आपका मन था कि मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूं, ये एक बार सबने सोचा होता, एक बार सबने कि इंडिया को एक बार तो छक्का मार के मैं ही जिताऊंगा। जब तक औकात बोलते कि साले बैठ जा फिर तुम बन जाते हो इंजीनियर।
पर मेरा नहीं, मेरा बचपन से बहुत क्लियर था कि मुझे बड़े होके क्रिकेट में कभी कुछ बनना है तो थर्ड अंपायर। क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी है ही नहीं। एक बार को ऑफिस में एचआर वाले फिर भी काम कर लेते हैं। कभी क्रिकेट मैच देखा, बेचारा जो फील्ड अंपायर होता है उसको वहां पर खड़े होके धूप में, धूल में, आंधी में, बारिश में खड़े होके रियल टाइम डिसीजन देने पड़ते। पहले यहाँ ओवर स्टेपिंग देखो, फिर वहाँ वाइड देखो, और उसको बटन नहीं दिया एक दबाने के लिए, उसको पूरा एक्सरसाइज, भाई को पूरा योगा चल रहा है, पहले ऐसे करो वाइड के लिए, सिक्स के लिए ऐसे, ये उसका पूरा प्राणायाम हो गया उधर। थर्ड अंपायर को मस्त एक एसी कैबिन दिया हुआ है जहां पे उसका जॉइंट चल रहा है। और आजकल ना फील्ड अंपायर की प्लेयर्स ने इज्जत करनी भी बंद कर दी है। पहले बॉलर पूछता था हाउ वाज दैट, अंपायर ने बोला नॉट आउट, तो नॉट आउट। अब अगर बॉलर ने पूछा हाउ वाज दैट, अंपायर वाला नॉट आउट, बॉलर तेरी मां की आंख। फिर बेचारा गरीब फील्ड अंपायर ऐसे थर्ड अंपायर को कि प्लीज बता दो क्या है। फिर थर्ड अंपायर ऐसे बेंचो काम आ गया। तो उसका तो वैसे ही जॉइंट चल रहा था, तो उसको तो ऑलरेडी सब ऑटोमेटिकली वैसे ही स्लो मोशन में दिख रहा है। फिर भी हमको दिखाने के लिए जानबूझ के स्लो मोशन ऑन करके एक बटन दबाता है वो। मैं बोलता हूँ साले तू जाता भी क्यों है, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ये तो वही स्लो मोशन है जो हम घर बैठ के देखते हैं। मुझे लगता है पूरे दिन के मैच के बाद, गेम खत्म होने के बाद जब फील्ड अंपायर घर जाता ना, तो घर में घुसते उसके बच्चे कंधे वंधे दबाने लगते हैं। और जैसे ही थर्ड अंपायर घर में घुसता ना, दरवाजा खुलते उसके बीवी आ गए मस्ती मार के, जाओ मार्केट से दूध ले आओ। पर मैं इंडियन टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा फैन, और इंडियन क्रिकेट के ऐसे तीन मूवमेंट हैं जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया जो मेरे दिल के बहुत पास, तीन मूवमेंट वो बताऊंगा आपको। नंबर तीन पे है 1996 का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बॉलिंग कर रहा है वेंकटेश प्रसाद, बैटिंग पे है आमिर सोहेल। आमिर सोहेल ने एक्स्ट्रा कवर में चौका मारा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैच में चौका मारते लोग, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। पर उसके बाद आमिर सोहेल को ही खुजली। वो गया प्रसाद के पास कि जा बॉल लेके आ। अगर तुमने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेला है तो एक बार को तुम माँ बहन की काली फिर भी सुन लोगे, पर अगर कोई बैट्समैन बोलेगा ना जा बॉल लेकर, तुम बोलेगा भैंस क्या तू ले क्या बॉल। प्रसाद जैसा बंदा हल्क बन गया, अगली बॉल पे बोल्ड बोला साले अब तू ले क्या। नंबर टू पे, नंबर टू का 2002, यही बॉम्बे मैच हो रहा था वांगखेड़े में, इंडिया और इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टीम हारती है कोई टीम जीतती है ना। पर उसके बाद फ्लिंट ऑफ को ही खुजली। मैं तो सबसे बोला हूँ कि फ्लिंट ऑफ को इतना खुश होने की क्या बात थी बे, कि जीत गया है, ये जीत तुम्हारा ही गेम है, तेरे दादाजी ने रूल्स बनाए इस गेम का, तुम्हें तो जीतना चाहिए। आज तक कोई वर्ल्ड कप जीते हो? नहीं। फ्रंट ऑफ ने अपनी जर्सी उतार के ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के उसे कंट्रोल नहीं, फूल ऐसे करके बाकी सब जहर का घूट पी गए। पर गांगुल ने उसी दिन वांगखेड़े की मिट्टी ली ऐसे माथे पे, सचिन का, सहवाग का, द्रविड का, सबका बदला लेगा तेरा ये गांगुली। भाई ने
2003 का वेट ही नहीं किया, 2002 में इसके बाद लॉर्ड्स में मैच हो रहा है लंदन में, फिर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, किसी तरह मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैच जिता दिया। गांगुली जैसा बंदा जिसने फील्ड पे कभी टोपी नहीं उतारी थी, पंगे लोगे तो मार दे। नंबर वन बेस्ट मोमेंट मेरा आज तक का, 2002 के 5 साल बाद। अच्छा तुम्हें लगा कि 5 साल में ना फ्लिंट ऑफ बड़ा हो गया होगा, दिमाग आ गया होगा। घंटा 2007 T20 वर्ल्ड कप, फिर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। माँ कसम उस दिन युवराज सिंह का एक बॉल पे एक रन से ज्यादा लेने का मन था ही नहीं। युवराज सिंह शांति से बैटिंग करा, फ्लिंट ऑफ को फिर से ही खुजली। गया युवराज के पास कि अगर तुम्हारे में दम है तो 6 बॉल पे 6 छक्के मार के दिखाओ, वरना दुगना लगाम देना पड़ेगा। फ्लिंट ऑफ ने भी इतना बोला ही था युवराज को कि यहाँ पे गरीब आदमी खड़ा था, स्टुअर्ट ब्रॉड। वो फ्लिंट ऑफ को गाली दे रहा कि भूतनी की तेरी तो नेक्स्ट ओवर भी नहीं है, मेरी क्यों मरवा दी, बंदी छेड़ी किसी और ने, पिट गया कोई और। थैंक यू गाइज, माय नेम इज निशांत, अमेजिंग, थैंक यू। आई एम लिविंग माई ड्रीम गाइज, जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे बड़े होकर थर्ड अम्पायर बनना है और मैं वही कर रहा हूँ। देखो अपन थर्ड अम्पायर, पर इस वीडियो को तुम सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नहीं किया तो दुगना लगान देना पड़ेगा।